हाँ जी, तो देखिए मेरा नाम प्रमोद। आज हम बात करने वाले जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। मतलब जो लोअर सर्किट लगा है वो क्या कंटिन्यू रह सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि आप सभी को देखने मिलेगा 4.40 पे स्टॉक, लेकिन आज के दिन भारी गिरावट हुई और लास्ट में जाकर लोअर सर्किट रहा। तो क्या ये लोअर सर्किट किस वजह से रहा उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही में देखेंगे जो ये गिरावट आपको देखने को मिलती है दिन भर दिन, मतलब देख सकते हैं कहाँ ये उछाल देता है, फिर भरोसा आता है कि अब 5% ऊपर जाएगा, फिर डाउनवर्ड मूव दे जाता है, फिर धोखा दे जाता है। तो क्या ये ऐसे ही धोखा देगा स्टॉक या कंटिन्यू अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, तो इस बारे में बात करेंगे आज के दिन। तो पहले बता दूँ, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर देखा जाए स्टॉक तो आज के दिन जो लोअर सर्किट है वो आज से ही नहीं, पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं 5 दिन में भी कंटिन्यू रहा और 1 महीने में तो भारी ही गिरावट रही 30% की, लेकिन उतना ही अच्छा कमबैक इसने 6 महीने में दिया। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद अभी भी 50% तक उछाले और आप मान सकते हैं 160% उछाल इसमें देखने को मिला है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और अगर 1 साल की बात कर लें हम तो आपको देख सकते हैं 44%, इतना कुछ खास नहीं है, जितना 6 महीने में परफॉर्मेंस देखा वो 160% था और यहाँ पर 220%, इतना इतना ही फर्क है। 5 साल में तो आप देख सकते स्टॉक गिरावट में रहा, क्यों रहा, जब स्टॉक आया तो उसके बाद बहुत अच्छे रिटर्न उसने प्रोवाइड किए थे और स्टॉक 7-8 रुपये में गया हुआ स्टॉक है, 9-10 रुपये में, उसके बाद एक भारी गिरावट के चलते स्टॉक आ गया था 70 पैसों में, और फिर वहाँ से अगर आप कम बैक देखें तो बहुत बढ़िया कम बैक देने की कोशिश में रहा। अगर मैं आपको कम बैक दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 गुना इसने रिटर्न दिए, एक देख सकते हैं 2020 से अभी 1 साल के अंदर बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया। अगर मैक्स की बात कर लूँ मैं स्टॉक की तो आप देखिए बिल्कुल ही गिर चुका है, क्योंकि आया था जब 30 रुपये पे आया था, उसके बाद आप देख सकते हैं 2008 के क्राइसिस की वजह से इसके अंदर वहाँ से गिरावट चालू हुई थी और गिर गया था। आप देख सकते हैं 120 पे गया था, 30 पे आ गया था, लेकिन फिर एक कमबैक दिखा, फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल इतने बुरे हुए गिरता ही चला गया। अगर फाइनेंशियल की अभी बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई फाइनेंशियल के अंदर, और दिसंबर वाले भी अच्छे गए थे, सितंबर वाले में ज़रूर खराबी रही, नेट इनकम अच्छे खासे रहे हर एक क्वार्टर में, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।